पे अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो मैं आया हूँ फ्लड के बाद जिस तरह से रास्ते का परिस्थिति क्या है आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो फ्लड तो चला गया, मतलब रास्ते जो तहस नहस करके छोड़ दिया, लोगों को बीच में कठिनाई आने लगा और मेरे स्कूल भी बंद है अभी रास्ते की वजह से। सो गाइस, रास्ते कहाँ का ख़राब है तो मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके भाई, तो हम इधर जाएंगे, उसके बाद रास्ता पूरे हालात दिखाएंगे और मिलिक बुस्ती कठरली का बॉर्डर आम बाजार कभी वहाँ एक पुल भांगा हुआ है तो वहाँ दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। ओके बाय बाय। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कलभर था और कलभर का परिस्थिति किस तरह से है, गाड़ी जा पाओगे कि नहीं अब देखने वाली बात है। ये तो पूरा शेष देख सकते हैं, आम बाजार और कोठलदोली का बीच में जो बॉर्डर जो रास्ते है और उसकी परिस्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पुल है ये देख सकते हैं, ये पर तोड़ कर फिर चला गया ये पुल। अभी यहाँ से कोई भी गाड़ी जा नहीं पाओगे, बाइक हो, कोई छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, साइकिल वगैरह कोई भी जा नहीं पाओगे। इस तरह से परिस्थिति है और ज़रूर मदद करें सरकार, यदि इन्हें देख रहे हमारे वीडियो को तो। इस तरफ से भी हम दिखाने वाला हूँ और देख सकते हैं, मैं नीचे भी उतर के दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे टूट ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और एक भैया, भैया कैसे पार करोगे ये? वही तो सोच रहा है ना। आइए आइए, देखते हैं कि किस तरह से पार करते हैं। जल्दी बना देना चाहिए, अच्छा है ना। और मतलब काफ़ी, मतलब सबसे परिस्थिति है कि जो स्कूल पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत परिस्थिति है, आने नहीं सक रहा है रास्ता की वजह से। तो अभी भैया आने वाला है, आप देखने वाली बात है, साइकिल लेके किस तरह से पार होता है आप सबको दिखाएंगे, आप सबको रूबरू करवाने वाला है। और ये देख सकते हैं जो ये प्लास्टर किया गया थे, ढलाई किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैक हो चुका है यहाँ पे, जितनी उसकी वेब जितना है कि क्या बोलेगी। और उस तरफ भी रोड दिखाई पड़ा और देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से इस तरफ पार करने में स्टूडेंट लोग काफ़ी दिक्कत होगा, बच्चे स्टूडेंट हैं। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, अभी पार करने वाला है। और देख सकते हैं रोज़गार तो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ना लोग, इसलिए अपने ड्यूटी में जाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं पूरे आधा पानी पे साइकिल, और उसके बाद धीरे से उठाना पड़ता है इस तरह का। में केला जो है, केला को उतार कर साइकिल से उतार कर ले आना पड़ता है, पार करना पड़ता है, उसके बाद साइकिल फिर उसको पार करना पड़ेगा दो बार। मतलब पहले सामान को पार करो, उसके बाद साइकिल पार करो। आम बाजार का जो परिस्थिति है, তো ইমান হুনকালে যদি বনা ইমান ভাল হব না, ইমান হুনকালে বনাবো ইমান ভাল, আগত বারু তো ভাঙ্গি সিঙ্গি গুছি গল, আমি রাইজে কিছুমান হেৰি মিলি পেলে অতি করি সাহায্য করেছিল, পিছত আমি মিউনিসিপালিটিতে হেৰি জনাইছিল চেয়ারম্যান বাইদেউ কলে যে আমি ঋণটো পঠাইছো,
আর মানে সবচেয়ে ডর কথা হল মানে যে স্টুডেন্ট বিলাক সবচেয়ে ডর সম্মুখীন হল মানে স্টুডেন্টর কারণে মানে যাতায়াতের কারণে বড় দিগদার অতি সোনকালে আপনি এই বনাই দিয়ক কারণ যেহেতু আপনার এই যে পরিস্থিতি যমুনা সিট ইহতর সুবিধা হব আর আমার লড়া ছোৱালীর সুবিধা হব তেওঁলোকে কথা দিছিল দিলে কিয়লে এতিয়া বরষুণ আহি গেল ফাট আহি গেল এতিয়া তেওঁলোককো আমি দোষী লাভ নাই লাভ নাই এতিয়া বর্তমানে আকৌ আমি আজিকালি ভিতর যাম গই অলপ অবগত করাম অবগত করাম যিমান সোনকালে বনাই ইমানে ভালো অলপ মেরামতি করা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দাদা तो ये देख सकते हैं रास्ते रास्ते का जो हालात है और हम जाएंगे वहाँ पे और दिखाएंगे रास्ते किस तरह से है मिलिक बस्ती और ये देख सकते हैं यहाँ पे मिलिक बस्ती और काठरतली का जो बॉर्डर है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फ्लैट आए थे उसके बाद रास्ते का जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है अभी तो मैं वहाँ पार करके जाने वाला हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे तो गाइस फाइनली ये एक देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते पूरे तहस नहस हो चुका है ये देख सकते हैं यहाँ पे और ये भी देख सकते हैं तो सबसे बड़ा बात है कि मैं गाड़ी पार कर पाएगी कि नहीं तो मैं पहले भी बना चुका हूँ ये वीडियो पहले जब फ्लैट आया था उस समय मैं वीडियो बना चुका हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ख़राब है रास्ते यार पहले आप देख सकते हैं रास्ते पर आगे से गड्ढे गड्ढे हो गया पहले हम जो वीडियो बनाया था उसे काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का जो लुक्स है नज़ारा है और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ पे और ये मेरा गाड़ी अभी जा पाएगी नहीं तो हमारी गाड़ी यहाँ पे अभी तो चलो चलते आगे की तरफ हम जाकर दिखाने वाला है और वहाँ पे एक लोग आ रहा है यहाँ पे और ये देखने वाली बात है गाड़ी वो आएगा तो कम वो पार कर देगा तो मैं भी पार कर दूँगा ये जो बॉर्डर जो है मिलिक बस्ती का तो आ ही तो रहा है फिलहाल तो शायद जैसे तैसे जा पाएगा लग रहा है मगर चार चक्का गाड़ी टमटम वगैरह जा नहीं पाओगे उस तरह से हालात है अभी वाओ तो ये देख सकते यहाँ पे गाड़ी आ रहा है अभी गाड़ी तो आ ही रहा है काठरतली आ चुका हूँ वहाँ पे और काठरतली की रास्ता है ये मेन रोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये तिनकी अवस्था देख सकते हैं और यहाँ का भी हालात देख सकते हैं यहाँ पे है यहाँ पे कम से कम बहुत मेहनत से बनाया था उन्होंने बेरा उसके बाद सीमेंट का अवस्था देकर आप रास्ता देख सकते हैं अभी पूरे मतलब ख़राब हो चुका है यहाँ का और यहाँ तो जैसे तैसे गाड़ी जा नहीं पाओगे क्योंकि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे भी हम दिखाने वाला हूँ और ये काफ़ी हिल रहा है मेरा और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा खा दिया ये रास्ता आप देख सकते हैं और इस तरह हालात है अभी रास्ता का ये देख सकते हैं रास्ते पूरे खा दिया गया है जो वेब जो है ना वो बहुत ही काफ़ी ये है स्पीड होता है इसका वजह से पूरा और यहाँ से यहाँ का रास्ते का जो मिट्टी जो है वहाँ तक चला गया है रास्ते का मिट्टी वहाँ तक चला गया अभी देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर वगैरह बस्ता वहाँ तक काफ़ी दूर दूर तक वहाँ तक भी चला गया खेत तक वो इतना वेब ज़्यादा था तो गाइस वही है मतलब फ्लैट से सब फ्लैट सबको तो नष्ट तो करता ही है और ये प्रकृति का है क्या करेगा कोई उससे लड़ नहीं पाओगे।